नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका, एक ट्रेड को साइंटिफिकली डिज़ाइन करने का सही तरीका, ये एक्सप्लेन करूंगा आने वाले समय में एक वीडियो में। तो उसका कोई और तरीका नहीं था, उसका एक ही तरीका था कि मैं आपको अपना एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ। तो दोस्तों, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है TCS का। अभी मार्केट आवर्स में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी बजे हैं 12:51 PM। दोस्तों, ये मैं आपको अपने लाइव अकाउंट के अंदर करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप साइंटिफिकली एक ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों, मैंने मेथडोलॉजी कैसे डिफाइन करी, TCS मेरे रेडार में कैसे आया, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि TCS मेरे रेडार में आ गया बाइंग करने के लिए। अब मेरे को उसको बाय करना है। अब मैं उसको कैसे बाय करूँ, कैसे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस टारगेट सही से एक साइंटिफिकली डिज़ाइन हो और मेरे को अपने ट्रेड में मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों देखिए, ये TCS का आप राइट साइड में प्राइस देख सकते हो। अभी अभी रेट चल रहा है 2256, और ये एक ब्लू कलर की लाइन है। आप देखोगे कि यहाँ पे ये 15 मिनट्स का चार्ट खुला हुआ है और रिवर्सल कैंडल बनी, उसके बाद काफ़ी सारी रिवर्सल कैंडल्स बनी, और ये कैंडल थी जहाँ पे TCS ने मोमेंटम पकड़ा। उसके अलावा मेरे चैनल का जो दोस्तों जो कम्युनिटी टैब है, मैंने वहाँ पर भी जस्ट अभी 10 मिनट पहले चैनल के मेम्बर्स को अपडेट किया कि TCS को आपको बाय करना है, और प्राइस वगैरह मैंने वहाँ पर उनको मैंशन किया जिस तरह मैं खुद करने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह हर चीज़ एक सही तरीके से साइंटिफिकली डिज़ाइन कर सकते हो अपना मैक्सिमाइज रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, और ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाएंगे, ATR, एवरेज ट्रू रेंज। दोस्तों ये इंडिकेटर जनरली साइंटिफिकली स्टॉप लॉस को डिज़ाइन करने के लिए काम में आता है। इसके बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कैसे आप इसकी मदद से अपना स्टॉप लॉस सही से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी बात करोगे तो मेरे जो ट्रेड है, मैंने बाइंग करना है इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर, और ये जो कैंडल है जिस पे ये रिवर्सल मेरे को लगा आया है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी अगर आप इस ट्रेड की बात करोगे तो स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए इस जोन में। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस जोन है दोस्तों। अगर आप इस जोन की वैल्यू की पता बात करोगे तो ये हो गया ऑलमोस्ट 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अब देखते हैं यहाँ पे ATR की क्या वैल्यू चल रही है। नीचे मैंने इंडिकेटर लगाया ATR, इसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो इसकी वैल्यू चल रही है इस टाइम पे 6 रुपीज़ 70 पैसे। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके होराइजन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप शायद 5 मिनट्स का चार्ट या 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे। अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो आप शायद 1 आवर का चार्ट देखोगे। तो हम 1 आवर का चार्ट एक बार खोलते हैं, टॉगल करते हैं और देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 1 आवर के चार्ट पे भी दोस्तों सेम बात दिखाई दे रही है, गिर रहा था और एक रिवर्सल कैंडल बनी है और उसका हाई टूट गया। यानी ये हमारी बाइंग इनिशिएट हो गई है। तो मैं बाय पहले एक बार इनिशिएट करने से पहले आपको मैं समझा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो 1 आवर के चार्ट पर देखोगे कि ATR की वैल्यू चल रही है 16। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। दोस्तों अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो, आपको आज ट्रेड लेना है और भरा टारगेट लेना है, आप इसको पोजिशनली खेलना चाहते हो, तो आपका टारगेट क्या है पहले आपको वो सोचना है। तो दोस्तों ये एक ग्रीन कलर का चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा 2 EMA का। ये 50 पीरियड का EMA का चैनल होता है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। बट मेरा टारगेट दोस्तों मिनिमम से मिनिमम ये है और इसके ऊपर का भी है। यानी अगर मेरा टारगेट है दोस्तों ये ग्रीन कलर की चैनल की लोअर लाइन, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ये है 2272, और अभी रेट चल रहा है 2252। यानी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का टारगेट है। तो 20 पॉइंट्स का टारगेट दोस्तों एक पोजिशनल टारगेट नहीं होगा इतने बड़े स्टॉक के लिए, ये एक इंट्राडे का टारगेट होगा। अगर मेरे से मेरे पोजिशनल टारगेट की बात करोगे तो मैं पोजिशनली कहीं ना कहीं इसको 2300 या जो इसका पिछला हाई था 2320, उस टारगेट के लिए खेलना चाहूंगा। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले पोजीशन टारगेट के बारे में बात करते हैं, किस तरह से आप ट्रेड डाल सकते हो, और फिर इंट्राडे की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसको पोजीशनली खेलना है फॉर अ टारगेट ऑफ से 2300, यानी जहां पे ये है अभी, वहां से आप इसको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए खेल रहे हो। 50 पॉइंट्स इज योर टारगेट। अब देखिए 1:2, 1:3, ये रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छा रिवॉर्ड माना जाता है। 1:5, 1:4, जितना आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे उतनी आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। आपको ट्रेड कम मिलेंगे मगर बहुत अच्छे मिलेंगे। बट आपको 1:4, 1:5 वाले ट्रेड प्रैक्टिकली बहुत कम मिलेंगे। 1:2 और 3 इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, मैं कहता हूँ 1:3, दैट मीन्स 50 का 1/3 हो जाता है ऑलमोस्ट 16 रुपीज़। यानी मैं 16 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। अब देखिए ATR की क्या वैल्यू चल रही है। ATR की वैल्यू भी दोस्तों ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ ही चल रही है। यानी साइंटिफिकली ATR इंडिकेटर ये कहता है कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बात करें तो TCS का स्टॉक 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 16 रुपीज़ ऊपर नीचे मूवमेंट दे सकता है। इसकी ये एवरेज वैल्यू है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 16 रुपीज़ ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहता है। यानी अगर आपने 16 से छोटा स्टॉप लॉस लगाया तो किसी भी कारण से आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जा सकती है। ये 16 पॉइंट नीचे एक ही कैंडल में जा सकता है। तो जस्ट टू गिव यू अ फेयर चांस, आपको 16 मिनिमम स्टॉप लॉस लगाना है।
दोस्तों जो साइंटिफिकली वे होता है, जो कहा जाता है थ्योरी में कहा गया है, वो ये कहा गया कि आप एटीआर से 1.5 टाइम्स का स्टॉप लॉस लगाओ, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ 16 हो जाएगा ऑलमोस्ट 24, यानी फॉर अ 50 पॉइंट्स गेन। अगर हमारा 50 पॉइंट्स का टारगेट है, हमारे को स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हम बाय करने लगाना चाहिए ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का। बट मैं आपको कहता हूँ आप 16 एटीआर की वैल्यू है, आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको कर सकते हो। यानी अगर 2254 पे टीसीएस चल रहा है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा 2234, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 2300। तो अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड हो जाएगा। हम यहाँ पे दोनों लाइंस को ड्रॉ करके इसको अपने ट्रेड को एक दफ़ा विजुअलाइज करते हैं। दोस्तों ये मेरा 2234, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर आप मेरे टारगेट की बात करोगे तो इस ट्रेड में मेरा टारगेट ये है। मैंने ये टारगेट 2300 कैसे निकाला, मैंने ये कैसे निकाला कि टीसीएस बुलिश स्टॉक है, इसको बाय करना चाहिए, वो सब मैं दोस्तों आपको किसी आने वाले समय में और वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। या फिर आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिटेल में हर एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली, ये तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक है, आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। यानी अभी हमारा जो ट्रेड बन गया ये बन गया, ये पूरा ब्लू से ब्लू लाइन का जोन हमारा बाय एक एरिया है और ये जो छोटा सा ब्लू एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस है। दोस्तों अगर आप इस मेथडोलॉजी से ट्रेड लेते हो, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, यानी आपके अगर तीन ट्रेड करते हो, दो गलत जाते हैं एक भी सही जाता है, तो आपके दोनों की रिकवरी और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के प्लेयर हो, यानी अगर आप शायद से इंट्राडे करना चाहते हो, दोस्तों अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, हम देखते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के हिसाब से दोस्तों इसकी वैल्यू चल रही है 6.8, इसका 1.5 टाइम्स ऑलमोस्ट हो जाता है 10 रुपीज़। यानी 2225, अगर 2225 रेट चल रहा है तो उसका 10 रुपीज़ नीचे 2245 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप ये 10 रुपये की स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ से, ये ब्लू ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये मैंने आपको बताया, तो ये वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 17 रुपीज़। यानी फॉर 17 रुपीज़ टारगेट 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, तो ये इंट्रा डे के लिए एक अच्छा ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 2 से भी कम है। तो इस तरह आप सोच सकते हो कि क्या आपको यहाँ पे इंट्रा डे करना वर्थ है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप दूसरे ट्रेड की वेट कीजिए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती दोस्तों इस कैंडल के जस्ट बाद, इस पॉइंट पे अगर रेट होता 2250, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दोस्तों काफ़ी कम होता, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का भी नहीं होता और आपका जो टारगेट है ज़्यादा होता, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का होता, वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाता 1:2.5, तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। अब दोस्तों चलते हैं मेरे ब्रोकर की ऐप पे। ये एलिस ब्लू का मेरा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आप ब्रैकेट ऑर्डर वगैरह डाल सकते हो। इस समय में दोस्तों बाकी ब्रोकर्स की अगर हम बात करें, मैंने काफ़ी सारे ब्रोकर्स पर ट्राई करने के बाद फाइनली अभी रिसेंटली एलिस ब्लू में अकाउंट खुलवाया है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के चलते यहाँ पे आप ऑप्शन में भी ब्रैकेट ऑर्डर डाल सकते हो। तो मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा एक लॉट तो ऑलरेडी बाय कर रखा है टीसीएस का, बट मैं आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह आप कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरा 660 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है। ये मैंने आपसे जो वीडियो बनानी चालू की थी उससे जस्ट पहले ट्रेड डाला था दोस्तों। इस ट्रेड में मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मैंने ऑलरेडी समझाया, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ। तो सपोज आपको बाय करना है टीसीएस ऑगस्ट फ्यूचर, हम बाय करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं। जैसे कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर डालना हो तो ये ब्रैकेट ऑर्डर BO, आप यहाँ पे हमारी प्राइस है 2264 जिसपे हम बाइंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस और हर एक चीज़ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो, यानी आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज में डालना है। यानी हमारा स्टॉप लॉस जैसे कि हमने अभी डिसाइड किया था कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का, हमारा टारगेट कितना था, हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का। और अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों ऐसे है कि आपके हाथ से आपका ट्रेड जाए भी ना और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट आता रहे। अगर ट्रेड आपके आधे रास्ते से घूम गया, यानी टीसीएस 2300 नहीं गया पर 2370 से घूम गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में दोस्तों जनरली मेरा ऐसा मानना है जो एटीआर की वैल्यू चल रही होती है उसका आधा रखना चाहिए। यानी जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे थे तो एटीआर की वैल्यू थी 16, तो उसका आधा होता है 8, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 डाल देता हूँ। यानी अब अगर टीसीएस 10 रुपीज़ ऊपर चला जाएगा और वहाँ से नीचे आने लगेगा तो मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे है वहाँ से 10 रुपीज़ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम बाइंग कर सकते हैं टीसीएस को, इस तरह से आप ट्रेड डाल सकते हो। ये जो मैंने ट्रेड डाल रखा है इसी तरह से, जो आपको मेथोडोलॉजी बताई इस तरीके से डाल रखा है। दोस्तों इस वीडियो का सिर्फ पर्पस आपको सिखाना और समझाना है, कोई भी मेरी आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो,
आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हो, आपके कोई और डाउट्स हैं एग्जीक्यूशन को लेके, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा आने वाले टाइम में। उसके अलावा दोस्तों मेरा वेबिनार है इस सैटरडे संडे को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से डिटेल में सिखाया जाएगा और आपको काफ़ी आपके जो ट्रेडिंग है उसके अंदर रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें आपको कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और आपको कोई भी ट्रेड लेना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। थैंक यू।